संस्थान है राम नाम बैंक। राम राम बैंक के बारे में सबसे खास बात यह है कि प्रयाग का राम राम बैंक में न केवल हिंदू भाई बल्कि सिख भाई, मुस्लिम भाई, ईसाई भाई, सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठ के एकता के लिए, सद्भावना के लिए, कौमी एकता के लिए राम का नाम लिखते हैं। उनसे पूछने पे वो बताते हैं चाहे राम कहो चाहे रहीम कहो, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, ऑल माइटी एक है। तो राम राम बैंक में हम लोग अक्षयवट मार्ग पे संगम के अक्षय क्षेत्र पे राम का नाम लिखते हैं। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति को जीवन में पुण्य जरूर करना चाहिए। पुण्य करने से जहाँ रुपए पैसे काम नहीं आते हैं, हारी बीमारी में केवल राम का नाम काम आता है। इसलिए राम नाम की महिमा बहुत है। कहते हैं रा बोलने से, रा से पाप बाहर निकल गया, माँ, माँ से जब होठ बंद हो जाता है तो कपाट बंद हो जाता है, पाप बाहर नहीं आता। राम नाम को तारक मंत्र कहा गया है और राम नाम ही मुक्ति का मार्ग है। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, जिन लोग का फोकस कमज़ोर होता है, कंसंट्रेशन कमज़ोर होता है, वो भी रेड पेन से राम के नाम को 108 बार लिखते हैं। और ऐसा ऐसा कहा जाता है अगर कम से कम मिनिमम 108 बार राम का नाम लिखेंगे तो व्यक्ति का फोकस कंसंट्रेशन बढ़ता है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेके और चीज़ में भी फायदेमंद आता है। तो कहते हैं कि राम का नाम है जो इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। बैंक का ये मतलब है कि नॉर्मल बैंक में जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक उसके रुपए पैसे का लाभ मिलता है। यहाँ पर पैसे की जगह आध्यात्मिक पूंजी है, राम का नाम है। तो कहते हैं जितना भी राम का नाम आप इस जन्म में जमा करेंगे वो इस जन्म में तो फायदा करेगा ही करेगा, मरने के बाद भी राम का नाम काम आता है। इसीलिए कहते हैं किसी का जन्म गरीब की झोपड़ी में होता है और किसी का जन्म अमीर क्या होता है। तो हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ऐसा ईश्वर के यहाँ क्या है, ऐसी कैसी व्यवस्था है कि एक का जन्म इतने अमीर के यहाँ हुआ। तो उसके पीछे ये कहा गया है कि हमारा पूर्व जन्म का संचित कर्म, कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म। तो ये राम नाम का संचित डिपॉजिट है। तो जो संचित कर्म है ये मेटल के तो ऐसे लोग है ना, तो आधा Thank you.
कितना लिख गया आपका भैया? बहुत। क्या होगा? कहीं लिखा है राम नाम बैंक? राम नाम सेवा संस्थान राम नाम बैंक, ये यहाँ फ्रंट में लिखना चाहिए थे राम नाम बैंक। राम नाम बैंक तो लाइन तो बना लिया। वीडियो बना रहे तुम? काम बता रहे तुम ऐसे बनाओ, तुम हमारे भी काम आ रहे। अब आप बैठा लेके क्या? नहीं उसको ले आएंगे आप बैठे। अच्छा हाँ, याद हो के हिसाब से उनको यहाँ पर लोन ब्याज दिया जाता है और उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ ब्याज सहित उनको जमा किया जाता है। जिनकी जो भी मनोकामनाएं रहती है वो पूर्ण होती हैं और अभी तक जो है यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने राम नाम लिख चुका है। अरबों खरबों में इस बार बहुत भारी संख्या में यहाँ पर राम नाम जमा हुआ है। सर्वाधिक राम नाम जो है इस बार यहाँ पर मेले में जमा हुआ है। और क्या कहते हैं, बहुत सारे अकाउंट है, ई राम नाम बैंक भी है जिनको जो है वैसे नहीं तो मोबाइल पर भी अपना राम नाम ऐप से उसमें जो है लिख सकते हैं। भोजपत्र से लेकर ई राम तक जो है यहाँ पर लोग किस तरह जुटे हुए दिया जाता है राम नाम का? जिनकी जो भी मनोकामना के हिसाब से ऋण दिया जाता है। बड़ा ऋण, जिनकी जितनी बड़ी मनोकामना उनको उतना ज्यादा ऋण जो है दिया जाता है। तो उसमें जो उनकी मनोकामना जब पूर्ण हो जाता है तो यहाँ पर आकर हवन इत्यादि जो है वो पूजा पाठ करते हैं ऋण के तौर पर। जो है ऋण के तौर पर तो राम राम ही लिख के जमा करना पड़ता है। यहाँ जो है वो अपने स्वेच्छा अनुसार जो है जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं वो आके अपना करते हैं। आचार्य राजकुमार तिवारी।